Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। ये खबर उनके लिए खास है, खुशखबरी है, जिनके घर कोई उत्सव होने वाला है, शादी है, या फिर आप धार्मिक, सामाजिक या कोई खेल के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में लगी इन पाबंदियों की वजह से आप मजबूरन कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को नहीं बुला पा रहे हैं। इन पाबंदियों से जुड़ी बिहार के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने अब शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी है। बिहार में शादी समारोह में अब 200 लोग शामिल हो सकते हैं। बिहार सरकार में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि 3 दिसंबर के बाद से बिहार में केंद्र सरकार का दिशा निर्देश और आदेश 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। चलिए हम आपको पूरी खबर को आसान भाषा में समझाते हैं। शादी ब्याह में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने 26 नवंबर को नया आदेश जारी किया था, जिसमें बैंड बाजा पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि शादी में 100 और श्राद्ध में ज्यादा से ज्यादा 25 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने 29 नवंबर को आदेश जारी कर 26 नवंबर के आदेश को संशोधित किया, जिसमें अधिकतम 150 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई। इसके साथ ही बैंड बाजा बजाने की छूट भी दी गई थी। अब गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि बिहार में 31 दिसंबर तक केंद्र सरकार का आदेश ही लागू रहेगा। किसी भी तरह के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन या शैक्षणिक हो, उसमें 200 लोग शामिल हो सकते हैं, 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सिनेमा हॉल में दर्शक क्षमता के 50% लोग ही रहेंगे। स्विमिंग पूलों का इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सभी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, यानी कंटेनमेंट जोन में जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर कुछ पाबंदियां भी लगा सकती है। जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर, वहां दफ्तरों, फैक्ट्रियों, दुकानों में काम करने का शिफ्ट अलग रहेंगे। हालांकि राज्य सरकार संक्रमण को देखते हुए पाबंदियां लगा सकती है। सर्दियां शुरू होने के साथ ही कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया था। कहा गया था कि संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार पाबंदी लगा सकती है, लेकिन लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। कोरोना महामारी का सामना पूरी दुनिया कर रही है, ऐसे में कोरोना की चेन को रोकने के लिए हम सब ने पूर्ण लॉकडाउन देखा, चारों ओर खौफ देखा, एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले लगाने की बेचैनी देखी। कोरोना की वजह से आज भी हम कई पाबंदियां झेल रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे ये पाबंदियां भी हटते जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।